बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी खैरियत से हैं, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, इतनी इज्जत देने के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और आपके दिल की हर जायज़ ख्वाहिशें पूरी करें, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ, अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। तो जी मैं आज किचन में हूँ तो मैं रेसिपी बना रही हूँ। तो भाई मैंने पूरी रेसिपी देने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी लेकिन वो सॉरी डिलीट हो गई, तो मैं दोबारा से बता दे रही हूँ। ये आधा किलो गोश्त था बीफ, और इसमें मैंने डाला था लाल मिर्ची का पाउडर, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, कुटी हुई मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, अजीनोमोटो और नमक, और इसमें हाँ प्याज पीस कर, हरा धनिया, हरी मिर्ची पीस के ये डाली, और दही डाला था इसमें। अच्छी तरीके से आप देख लें, दही, प्याज और हरी मिर्ची, हमने तीनों चीज़ें ये डाली हैं और बाकी मसाले डाले थे। और अभी मैं ये डालूँगी काली मिर्ची इसमें, इसमें डलेगी अभी काली मिर्ची। और यहाँ मेरा हो रहा है ऑयल गरम, और ये रख रखी है मैंने प्याज कटिंग करके, आप ये डेढ़ प्याज है और आधी प्याज मैंने पीस के डाली है इसमें। मैंने प्याज इसमें काली मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया है, और यही रहा मांगनी है। और अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, और इसमें अदरक लहसुन भी ऐड था। पहले मैं प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। क्या चाहिए? तो इसको मैं अभी प्याज को करने लग रही हूँ ब्राउन, और तो अभी प्याज में करने लग रही हूँ ब्राउन, इसके अच्छे से प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो ये देखिए प्याज हो रही है हमारी ब्राउन अच्छे से, इसको अच्छी तरीके से ब्राउन करनी है। प्याज हो गई ब्राउन, चाय हो गई है तैयार, और यहाँ ना मैंने डाले हैं बड़ा वाला एक टमाटर, क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला हुआ है इसलिए। अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि उसमें भी डाला हुआ है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसमें भी डाल रही हूँ। अब इसमें डालूंगी लाल मिर्ची का पाउडर, कुटी हुई मिर्ची, हल्दी, क्योंकि जो मसाले हमने उसमें डाले हैं इसके अंदर गोश्त में, तो वही मसाले इसमें भी जाएंगे। धनिया पाउडर, फुटा हुआ है इतना पाउडर भी नहीं है, इतना बस फुटा हुआ है। और नमक मैंने उसमें भी ऐड करा था, थोड़ा सा इसमें भी करूँगी, थोड़ा सा ही करना है क्योंकि बिल्कुल खुशक बनेगा ये। और इसको मैंने ना 2 घंटे से रखा हुआ है मैरिनेट करके इसका अच्छे से। उधर का मोबाइल बहुत बुलाते हैं। तो ये देखें,
अब इसमें जरा सा पानी डालूंगी, बिल्कुल मामूली सा पानी डालूंगी ताकि गोश्त गल जाए, क्योंकि मैंने 2 घंटे से रखा हुआ था तो तकरीबन गोश्त गल चुका होगा। और टमाटर डाला है तो ये और धाई है तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले लेता है। इसको ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए, फिर मैं देखूंगी। बिल्कुल लो आंच पे रख दी है मैंने इसको, बिल्कुल फ्लेम कर दिया इसका, बिल्कुल सिलो। और मैंने यहाँ रख दिया है ढक्कर इसको, ये देखें पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये अच्छे से पक जाए तो गल जाए गोश्त, उसके बाद में भी लूँगी। और जी भाई मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी, वीडियो तो मैं बना रही हूँ लेकिन क्या है हमारे चल रहा है वाईफाई में मसला, तो इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ रही है। अभी भी मैंने अपलोड करी भी है लेकिन वो आप तक अभी तक नहीं पहुँची, तो उसके लिए सॉरी। और मेरी एक सिस्टर है बहुत प्यारी सी, वो भी आज मुझे बोलने दी आप ही आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो वो इसकी वजह से नहीं आ रही कि मेरे वाईफाई में चल रहा है मसला। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर मिलेगी वीडियो आपको, और मैं तकरीबन रेगुलर ही देती हूँ। तो चलें चाय पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद। जी मैं यहाँ पर आई थी अभी 5 मिनट बाद, मैंने चेक किया सालन तो कितना ही हमारी रेसिपी तैयार हुई है वो देख रही थी, तो पानी था और अभी मैंने देखा है कम से कम 15 मिनट हो गए, वो माशाल्लाह से गोश्त भी गल चुका है क्योंकि हमने ये 2 घंटे से रखा हुआ था उसको, और बोटियाँ भी छोटी थी इसलिए। तो अब मैं भूनती हूँ, इसका भूनने का टाइम आ गया। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा, और शुरू से बता नहीं बता पाई भाई उसके लिए सॉरी। मैंने बनाई थी वीडियो लेकिन रेसिपी की, पर मेरी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए डिलीट हो गई। ये देखें आप माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा आ रहा है इसका, और भुनाई भी अच्छे से हो गई तकरीबन, लेकिन मैं और भूनूंगी इसको थोड़ा सा। आपको जब तक भूनना है तब तक इसका ऑयल अच्छे से ऊपर नहीं आ जाए। और मैंने वीडियो कल बनाई थी सोनिया गोपाल के हवाले से, और लेकिन आज इसलिए अपलोड हुई है कि मैंने बताया था आपको कि वाईफाई में थोड़ा सा मसला आ रहा है, और अभी भी बार बार रुक जा रही है हमारी ना वाईफाई में, पता नहीं क्या ऐसा इशू हो गया तो वो बार बार ना नेट रुक जा रही है, तो इसकी वजह से आज मिली आप लोगों को। मैं थंबेल भी नहीं लगा पाई, और मैंने ज़्यादातर इसलिए नहीं लगाया थंबेल कि आप लोग सोचेंगे पता नहीं व्यूज़ बढ़ाने के लिए, बहुत से लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा जो कुछ भी हूँ मैं आप लोगों के सामने हूँ, मैं जैसी भी वीडियो बनाती हूँ कोई इसमें बनावट ही नहीं होती है, कुछ नहीं होता, लेकिन बस सिर्फ आप लोगों के सामने होता है, सारी चीज़ें इसमें सच्चाई होती है, और यही चीज़ मुझे पसंद है। फिर उसके बाद अगर भले से आप लोगों को पसंद आए ना आए वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन फिर भी मेरे व्यूवर्स बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से, इतने अच्छे हैं कि मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, लाइक करते हैं माशाल्लाह से, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरे को मेरा बहुत दिल खुश होता है बहुत ज़्यादा, और मेरा फिर दिल भी करता है वीडियो बनाने का, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाती, फिर मेरा दिल भी करता है वीडियो बनाने का। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इस टाइम पर गरम मसाला, बिल्कुल मसाला जिस टाइम पर भून गया हो ना अच्छा, तो ये देख रहे हैं आप भून रहा है, मैंने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया, और इसको 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए रखूँगी ढक के, और फिर इसको मैंने 5 मिनट के लिए रखा है, और बिल्कुल फ्लेम बंद कर दिया मैंने। तो भाई ये मैंने कर दिया डिश आउट इसको, और ये मैंने निकाल लिया,
अब बिल्कुल फ्लेम वगैरह सब कुछ बंद करने के बाद, और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी झटपट बिल्कुल मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी तैयार है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद भी आई होगी इंशाल्लाह। तो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा प्लीज़, अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप लोग करते ही हैं माशाल्लाह से, शेयर करिएगा, और अगर जो न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा, और जो ऑलरेडी हैं तो उनकी तो बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया शुक्रिया, और जो न्यू आएंगे उन लोगों का भी शुक्रिया। तो भाई अगर कोई गलती हुई हो, कुछ हुआ हो मिस्टेक, तो उसके लिए सॉरी। और मेरी जो छोटी वाली सिस्टर ने बात करी थी आप लोगों से कि आप ही के हवाले से कि ना आप ही को लोग बात इस तरीके से बात करते हैं, तो वो आप लोग अपने ऊपर नहीं लेके जाइएगा। कुछ अपने हैं होते हैं जो किसी को हंसता मुस्कुराता नहीं देख सकते, खाता कमाता नहीं देख सकते। मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब अल्लाह की चोरी नहीं है तो बंदे से क्या छुपाना। लेकिन मैं किसी के लिए ये मेहनत कर रही हूँ, किसी की वजह से मैंने ये चैनल बनाया, मेरी वजह से किसी का हेल्प हो जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अल्लाह भी खुश होता है। और तो बस मेरा व्लॉग यहीं तक था, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।